नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ खंड विकास के बनकटिया गांव में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ने लगाई चौपाल, नंगे पांव गिनाई मोदी योगी की उपलब्धियां। वहीं ग्रामीणों से पूछा कि 60 सालों में कभी गांव में लगी चौपाल, दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो 80 करोड़ लोगों को उपलब्ध करा रही हो। राशन एक तरफ, गाँव घर घर पहुँच रहा है, वहीं सरकार की योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चांद तक भारत यान पहुंच रहा है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ खंड विकास के बनकटिया गांव में शनिवार की शाम लगभग 4 बजे आजमगढ़ के प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चौपाल लगाई। इस दौरान सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर चौपाल का शुभारंभ किया गया। वहीं शासन द्वारा संचालित योजनाओं को विभागीय अधिकारी के द्वारा बताया गया। जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को सुने। देखिए, हमारी सरकार हमेशा जनता के बीच में जाती है और जनता के समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव कदम उठाती है। आज यहाँ पर चौपाल लगा, जनता की सरकार, जनता के द्वार, और आपने देखा कि हमारे सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के लोगों को मिल रहा है। और सिर्फ यही की हकीकत नहीं है, सभी ग्रामों के भीतर हमारी योजनाएँ कारगर तरीके से पहुंच रही हैं और ज़मीन के स्तर पर लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। उनको सुख सुविधा दिए जाने का कार्य हमारी मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार कर रही है। कृषि विभाग किसानों के लिए क्या कर रहा है कि जिससे उनकी आमदनी दुगनी हो और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी? देखिए, पिछले वर्षों में किसानों को कर्जे से मुक्त करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया और बड़े पैमाने पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए कर्जे का माफ़ी का हिंदुस्तान के भीतर वह सबसे बड़ी योजना थी जिसको योगी जी की सरकार ने लॉन्च किया। उससे किसान दबाव से मुक्त हो करके, कर्जे के दबाव से मुक्त हो करके अपने खेती को अच्छे तरीके से करना लगा। हमने उनको समय से उनको अच्छे बीज सुलभ कराए, समय से किसानों को पानी सुलभ कराया। आज उनको निःशुल्क बिजली, उनके निजी नलकूपों को हमने बिजली फ्री कर दिया है। सरकारी कोई सिंचाई उनसे महसूल नहीं लिया जाता है और साथ साथ में उनके उत्पादन को बड़े पैमाने पर खरीद करके बेहतर कीमत मिल सके, MSP के पर से भी ज़्यादा कीमत मिल सके, इसको सरकार ने सुनिश्चित किया है। आज स्वयं मार्केट के भीतर किसान के उत्पाद MSP से ऊपर गए, यही हमारा लक्ष्य था कि किसान को सही कीमत मिलने लगे, शोषण से वो मुक्त हो जाए, और आज उसकी पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। और बेहतर और जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट में इस बात की है कि दूना से भी अधिक आमदनी हुई है।